तो हेलो भाई और बहनों, आज मैं एक यूनिक सा चैलेंज करने वाला हूँ। मतलब कि आज हम करने वाले हैं नो ग्राउंड टच चैलेंज। अगर मैं इस चैलेंज में गलती से ग्राउंड को टच कर देता हूँ तो मैं इस मैच को हार जाऊँगा। अच्छा, लेकिन अभी के लिए मैं हेडक्वार्टर्स पे हूँ। अगर मैं इधर रहता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले सामने से जो भी हैकर आ रहे हैं उन्हें मार लेते हैं। उनके बाद हम सामने वाले कैरेक्टर्स के बंकर को ब्लास्ट करेंगे। अभी के लिए हमने एक कैरेक्टर को मार लिया है एंड दूसरे कैरेक्टर को भी मार ही रहे हैं। एंड ये कैरेक्टर जल्दी मर जाएगा एंड लिटरली से पता तक नहीं चला कि हमने इसे ऊपर से मारा। तो अभी के लिए हम उनके बंकर की ओर चलते हैं। और तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जोर से ऑन कर लेना, क्योंकि हम 1K काफ़ी करीब है। मैं जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे ओपोनेंट इतने नूब क्यों है, तो इसका एक रीज़न है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस चैलेंज को करने का ट्राई कर रहा था एंड उस वक्त मेरे टीम में जैकर और आर्कॉन जैसे लेजेंडरी कार्ड थे एंड इसके वजह से मेरे ओपोनेंट भी काफ़ी टफ आ रहे थे। बट तभी मैंने एक पुरानी ट्रिक का यूज़ करते हुए अपने डेक को नूब बना लिया एंड जिससे हुआ कुछ ऐसा कि सामने भी नूब प्लेयर आने लगे, जिससे मुझे इस चैलेंज को कम्प्लीट करना काफ़ी ईजी रहेगा। ये भी ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गन को रिलोड कर लिया है। रिलोड करने के बाद मैंने सामने वाले प्लेयर को मारने की कोशिश की, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज चला गया, जिसकी वजह से मैं उसे मार नहीं पाया। उसका वजह से मैं सामने आ गया एंड यहाँ से उसे मारना इजीली पड़ेगा। तो अभी के लिए मुझे वो कैरेक्टर लिटरली दिख तक नहीं रहा था। तो मैं सोचा था कि मैं दोबारा से हेडक्वार्टर के ऊपर जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे सही से निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा निशाना गलत होता है तो मैं हार जाऊँगा। तो मैं लास्ट ट्राई करता हूँ एंड इस ट्राई में मैं उसके ऊपर चला जाता हूँ। तो उसके बाद मैं चारों ओर देखता हूँ एंड यहाँ मुझे कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखता। तो जब तक मुझे कोई कैरेक्टर नहीं दिखता तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। लिटरली काफ़ी वेट करने के बाद सामने से दो कैरेक्टर आते हैं, तो मैं पहले कैरेक्टर को मार देता हूँ। और अगर मैंने इन दोनों कैरेक्टर को मार दिया, तुम चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर तुम चैनल सब्सक्राइब करते हो तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बट इतना समझ लो, अगर तुम सब्सक्राइब करो तो मुझे अच्छा लगेगा, और तुम्हें बस किसी और को अच्छा लगे तो उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। लेकिन अभी बिग बा को सिर्फ एक गोली की वजह से, लेकिन जैसे उसने मैजिक यूज़ किया तो उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तभी मैं देखता हूँ सामने से दो कैरेक्टर आ रहे होते हैं एंड ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी अच्छे होते हैं। बट मैं एक कैरेक्टर को मार देता हूँ एंड दूसरे कैरेक्टर को लैंडमाइन लगता है, जिससे कि उसकी एचपी काफ़ी कम हो जाती है। मैं नीचे की ओर आ जाता हूँ एंड ट्राई करता हूँ कि इस कैरेक्टर को मार दूँ। बट ये कैरेक्टर सामने की ओर चल जाता है एंड मेडिकेट का यूज़ करता है एंड लिटरली अभी 30 सेकंड बचते हैं। मतलब कि मुझे 30 सेकंड तक ज़मीन पे नहीं गिरना। अगर मैं यहाँ गिर जाता हूँ तो फिर मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद मैं ऊपर की ओर जाता हूँ एंड ऊपर जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि सामने कुछ कैरेक्टर होंगे तो मैं उन्हें मार दूँगा, क्योंकि अभी इधर से मैंने देखा कि ये कैरेक्टर जा रहा था। बट इधर सामने से कोई कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए मैं अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करके ऊपर वहाँ चला जाता हूँ। और आखिर में मैं उनके बंकर को ब्लास्ट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन टाइम काफ़ी कम बचा था, तो इस वजह से मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से ऑन कर लेना।